नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या बहुत देर तक नहीं टिक पाती। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और कारगर विषय है। ये क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं। वो पति पत्नी भी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं, या फिर एक तरफा प्रेम भी हो सकता है। ये सिर्फ पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, या फिर आप किसी महिला से, या फिर महिला किसी पुरुष से शादी करना चाहते हैं। दोस्तों ये कामदेव वशीकरण है, इसलिए ये सिर्फ प्रेम से संबंधित लोगों के लिए ही ये क्रिया संभव है। तो ये क्रिया इतनी पावरफुल है दोस्तों, अगर आपने कई उपाय किए होंगे और उसके बाद भी अगर आप असफल हैं, तो ये क्रिया को 100% रिजल्ट आपका आ जाएगा। बशर्ते इस क्रिया को बहुत ही ध्यान से करना है। ये मैं इस वीडियो में आपको इसकी विधि बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल और साधारण उपाय है। इससे पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों ये क्रिया किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं, जैसे सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, तो ऐसे दिन आप इसको कर सकते हैं, या फिर पूनम है, इस टाइप के दिनों में आप इसको कर सकते हैं। और इन दिनों में अगर करेंगे तो इसका फल आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये उपाय दोस्तों पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। चलो करके देख लेते हैं, तो फिर आपको ये क्रिया नहीं करनी, क्योंकि किसी भी देवी देवता की परीक्षा लेने की सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। आप उस क्रिया को समर्पण भाव के ढंग से करेंगे तो रिजल्ट 100% आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो मैंने दिन बताए उन दिनों में आपको करना है। और ये क्रिया आपको रात के समय करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। रात के ही समय करनी है आपको, रात को 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में ये क्रिया करनी है। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको क्या करना है, अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ करके बैठना है। और एक कामदेव का मैं इस वीडियो में मंत्र बताने वाला हूं आपको, बहुत ही सिंपल और छोटा सा मंत्र है, उसका आपको जाप करना है। आसनी बिछानी है दोस्तों, हो सके तो लाल कलर के आप कपड़े पहने। अगर आपके पास लाल कलर के कपड़े नहीं है तो, या एक बनियान, या कोई महिला है तो एक कोई भी कपड़ा पहन सकती है लाल कलर का। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप एक रूमाल लाल कलर का अपने पास अवश्य रखें। और आसनी के ऊपर आपको बैठना है, आसनी के बिना नहीं बैठना। कितने लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे पास आसनी नहीं है। आसनी में भी अगर ये इस टाइप के मंत्र जो आप करते हैं तो उसमें ऊनी कपड़े की अगर आसनी हो, जैसे कंबल है,
या और कुछ ऐसे ऊन से बना हुआ तो बहुत ही बेहतरीन हो, पर अगर आपके पास ऊनी नहीं है तो फिर आप जो सिंपल कपड़े की आसनी होती है वो बिछा के बैठना, और आपको एक मंत्र बोलना है, माला ले लेनी है आपको। उस समय आपको ये करने से पहले आपको ये घी का दीपक जला देना है, दो अगरबत्ती लगा दो और प्रेम के चार पांच देव माने गए उनका आपको ध्यान करना है। सबसे पहले भगवान कृष्ण का, तारा का, कामदेव का और रति का, इनका आपको ध्यान करना है, इनका नाम लेना है, मन ही मन इनको आपको प्रणाम करना है और इनको बोलना है कि मैं जो क्रिया करने जा रहा हूं इस विधि को या मेरी पूजा को सफल करें, इसमें कोई बाधा ना पड़े और मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा ये काम हो जाए। ऐसी आपको इन चारों से प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रेम का प्रतीक ही कामदेव और रति है। ये अगर नहीं होंगे तो दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा, तो ये प्रेम के प्रतीक है। और वो एक मंत्र में कामदेव का आपको बताना होगा, ये करना है। इसको महिलाएं भी कर सकती हैं और इसको पुरुष भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर शादी के लिए, जीवन बिताने के लिए साथ में, या वैवाहिक जीवन बहुत सुचारू रूप से चले, प्रेम से भरा हुआ हो, ऐसी कामना जो भी करते हैं वो इस क्रिया को अवश्य कर ले। और आपको मंत्र बोलना है, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है, माला कोई भी ले लें आप, एक माला आपको इस मंत्र की बैठ के करनी है। दोस्तों ध्यान रहे, ये मंत्र करते समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई फोटो या किसी तस्वीर की जरूरत नहीं, आपको कामदेव का ध्यान करना है। और जिस समय आप माला कर रहे हैं उस समय आपके ध्यान में उस व्यक्ति की छवि होनी चाहिए, आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है और आपको माला शुरू कर देनी है, मंत्र बोलते जाना है और आपका ध्यान कंटिन्यू उस व्यक्ति पे टिका रहना चाहिए। दोस्तों व्यक्ति दुनिया में कहीं भी बैठा हो, दुनिया में आपकी ये विधि पूरी होगी और वो व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाएगा, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, उसको आपके पास आना ही होगा और वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ जाएगा। अगर शादी नहीं हुई है तो आप शादी करेगा, पुरुष होगा तो शादी करेगा, महिला होगी तो शादी करेगा और आपके साथ वो जीवन बिताएंगे। पति पत्नी है तो उनके बीच में अगर कोई अनबनाव चल रहा है तो वो दूर हो जाएगा और वो एक दूसरे को जान से भी ज़्यादा पसंद करने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है और करने के लायक है, इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार।